प्रोबेबिलिटी का जो लिटरल मीनिंग है, इसका लिटरल मीनिंग है चांस, कितने चांस हैं, ठीक है। जैसे कभी कभी बच्चे पूछते हैं ना कि सर मेरी शादी के कितने चांस हैं, तो बेटा मेहनत करोगे, पढ़ाई करोगे, ऑफिसर बनोगे तो चांस बढ़ जाएंगे ना। मेहनत नहीं करोगे, आवारा होगे तो चांस कम हो जाएंगे आपकी शादी के। शादी हो ही जाएगी फिर भी, इंडिया में हो जाती है, लेकिन चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। तो समझ गए ना आप चांस का मतलब क्या है। जैसे हम लोग मौसम विभाग की बात करते हैं कि आज बारिश होने के कितने चांसेस हैं, ठीक है। अगेन ये किसका पार्ट है, प्रोबेबिलिटी का, क्योंकि इसके आउटकम यू कैन नॉट श्योरली प्रिडिक्ट कि भैया आज बारिश होगी होगी। और मौसम विभाग वाले भी आपको बताएंगे, आज बोलते हैं बारिश होगी, उस दिन होती नहीं ना। और जिस दिन कोई पहले से कोई चेतावनी नहीं होती, उस दिन इतनी बारिश होती है कि क्या बताऊँ। और उसके बाद वो चेतावनी देते हैं कि अगले दिन बारिश होगी, उस दिन मौसम सब सही रहता है, बच्चों की छुट्टी उट्टी रहती है स्कूल की, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी का लिटरल मीनिंग क्या है, चांस। तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ने से पहले मुझे आपको कुछ टर्म्स क्लियर करवाने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो टर्म है उसको मैं बोलता हूँ रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या बोलता हूँ, रैंडम एक्सपेरिमेंट। मैंने आपसे अभी कहा था कि बेटा दो तरीके के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, एक होता है डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट का मतलब है जिसका आउटकम श्योरली प्रिडिक्टेबल हो, पता है हमें कि आउटकम क्या आना है। रैंडम एक्सपेरिमेंट्स आर दोस एक्सपेरिमेंट्स हुज आउटकम इज नॉट सर्टेनली प्रिडिक्टेबल। फॉर एग्जांपल मैं सिक्का उछालूंगा, क्या आएगा? अब ऐसा मैं बोलना सर हेड ही आता है मेरे वक्त, हेड देखा सर आ गया ना, फिर सिक्का उछाला सर हेड आएगा, फिर हेड आ गया। आप बोलोगे अरे सर मैं तो श्योरली बता सकता हूँ। बेटा अगर आप इनफाइनाइट टाइम्स सिक्का उछालोगे ना, इनफाइनाइट टाइम्स, अनगिनत बार, तो अनगिनत बार हेड भी आ सकता है और अनगिनत बार टेल भी आ सकता है। तो ये भी एक अनसर्टेन इवेंट है। फिर बच्चे लूडो खेलते हैं, घुमा के छक्का, और घूम घूम के छक्का जाता है, फिर घुमाया छक्का दो बार, फिर तीन बार छक्का तो जीरो जाता है, ठीक है। तो अगेन दैट इन दैट केस ऑल्सो, अगर आप लूडो में अगर आप वो डाइस को फेंकते हो तो अगेन उसमें एक दो तीन चार पाँच छः जो उसके आउटकम्स हैं उसमें एक का भी कितने बार इनफाइनाइट टाइम्स अगर मैं बोलूँगा तो एक का भी इनफाइनाइट टाइम्स आ सकता है। दुग्गी भी आप तीन इवेंट से जज नहीं कर सकते कि तीन बार छक्का आ गया, अरे सर ये तो श्योर इवेंट हो गया, ठीक है। उसी तरीके से ताश के पत्ते, अगर इतने सारे पत्ते मैं कहूँगा एक पत्ता निकालो, तो एक पत्ता कुछ भी हो सकता है, 52 पत्तों में से वो एक पत्ता कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके के ही इवेंट्स आप लोगों के क्वेश्चंस में आने वाले हैं एग्जाम में। उसके तरीके से अगर सपोज मेरे पास एक बैग है, बैग के अंदर मैंने एक रेड बॉल डाली, एक वाइट बॉल, एक ब्लैक बॉल, और मैं बोलूँगा एक निकालो, तो एक कोई भी आ सकती है, रेड भी आ सकती है, अचानक से कुछ भी निकल सकती है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस इन एक्सपेरिमेंट्स बेस्ड आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या एक्सपेरिमेंट है बेटा, एन एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम इज नॉट श्योरली प्रिडिक्टेड। लिखते रहो मेरे साथ, एन एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम इज नॉट सर्टेन। क्या बोलते हो, एन एक्सपेरिमेंट हुज आउटपुट या हुज आउटकम इज नॉट सर्टेन। एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल में क्या क्या करा सकता हूँ आपको, एग्जाम्पल टॉसिंग ऑफ अ कॉइन ना, एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं सिक्का उछालना, ठीक है। उसके अलावा रोलिंग अ डाइस, या ड्रॉन अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, ये सारे कैसे एक्सपेरिमेंट्स हैं, मेरे रैंडम एक्सपेरिमेंट्स हैं। अच्छा पत्थर फेंकना ऊपर, रैंडम एक्सपेरिमेंट है पत्थर फेंकना, क्यों पत्थर फेंकेगा तो नीचे तो आना है इसका, पत्थर फेंकेगा सर के ऊपर ही गिरना है बेटा आपके उसमें, तो पत्थर फेंकना ऊपर इज नॉट अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, क्योंकि मुझे पता है उसने आना नीचे ही है। ये मैं बोलना सर कोई कैच पकड़ लेगा ऊपर। अच्छा तो सबसे पहले ये समझ में आया ना रैंडम एक्सपेरिमेंट आने वाला क्वेश्चंस में, कि रैंडम एक्सपेरिमेंट यू शुड नो कि व्हाट इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। अच्छा रैंडम एक्सपेरिमेंट के बाद जो मेरा नेक्स्ट टर्म है जो आपके एग्जाम में आने वाला है, दैट इज नथिंग बट द सैम्पल स्पेस, दैट इज नथिंग बट द सैम्पल स्पेस, ठीक है ओके। अब सैम्पल स्पेस क्या है बेटा, सैम्पल स्पेस का मतलब है द टोटल नंबर ऑफ आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। द टोटल नंबर ऑफ आउटकम का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँगा सिक्का उछालना है बेटा, तो क्या क्या आ सकता है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, ये टोटल आउटकम हो गए। फॉर एग्जाम्पल एक सिक्का उछालूंगा तो क्या आएगा, ऐसे, और उसको मैं सेट्स में रिप्रेजेंट करूंगा बेटा, सेट्स हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अरे सेट्स भी एक चैप्टर है कॉमन, क्योंकि वो NDA ने कर लिया है इसलिए मैंने वो पढ़ाया नहीं, बट सेट इज अ चैप्टर विच कम्स इन NDA एज वेल एज CDSE CAPF में, तो समझ लो कि ठीक है CAPF में तो कुछ भी आ सकता है। हाँ 11th 12th की मैथ्स के अलावा कुछ कॉमन चैप्टर्स 11th 12th के लाइक सेट्स एंड प्रोबेबिलिटी, उसके अलावा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन भी आप लोगों का आ सकता है, ठीक है CAPF का थोड़ा सा स्टैंडर्ड कुछ भी मान लो आप। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि हम सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे कर्ली ब्रैकेट से।
तो अगर मैं सिक्का उछालूंगा तो क्या आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो ये इसका सैंपल स्पेस हो गया। मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। अच्छा, अगर मैं एक डाइस फेंकता हूँ बेटा, क्या क्या आएगा? डाइस 1, 2, 3, 4, 5, 6, वेरी गुड। देखो बच्चे को आ गया इतनी जल्दी। अगर मैं डाइस फेंकूंगा तो 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। ये क्या हो गया इसका? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इसी को मैं क्या कहता हूँ? सैम्पल स्पेस। क्या बोलते हो? क्वेश्चन अभी तक? अभी तक हम लोग प्रोबेबिलिटी में आए नहीं, हमने सिर्फ प्रोबेबिलिटी का लिटरल मीनिंग लिखा, चांस। प्रोबेबिलिटी मतलब चांस, और वो चांस हम लोग या तो फ्रैक्शन में बताते हैं और या तो हम परसेंटेज में बताते हैं। जैसे मैं बोलूँगा बेटा मेरा कल आने का चांस मेरा 50% है, तो आप समझ जाओगे हाफ हाफ चांस है सर का, आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते। अगर मैं कहूँगा 75% चांस है तो आप कहोगे हाँ सर, सर ने आएंगे ना, 25% ना आने का है, ठीक है। अगर मैं कहूँगा मेरा आने का चांसेस 90% है तो आप कहोगे हाँ आने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर मैं कहूँगा 100% है तो श्योरली आएंगे सर, ठीक है। तो मैं प्रोबेबिलिटी को किस में बता रहा हूँ आपको? परसेंटेज में। अच्छा, उसी परसेंटेज को मैं चाहूँ तो फ्रैक्शंस में भी बता सकता हूँ। अगर मैं कहूँगा मेरी प्रोबेबिलिटी 1 है, 1 मतलब 100%। अगर मैं कहूँगा मेरी प्रोबेबिलिटी हाफ है, हाफ मतलब 50%, हाफ हाफ को हम 50% में कैसे चेंज करते हैं? 200 कर देना हमें। तो प्रोबेबिलिटी को हम परसेंटेज में भी या फ्रैक्शंस में भी बताते हैं। तो परसेंटेज में प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 से 100 जाएगी। जैसे मैं कल नहीं आ रहा तो कल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है मेरी? 0%। तो मिनिमम प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0% है और मैक्सिमम कितनी है? 100%। वैल्यू में मिनिमम 0 और मैक्सिमम 1, याद रखना 1 से ऊपर प्रोबेबिलिटी कभी नहीं जाती। हर जितने भी क्वेश्चन अब आप प्रोबेबिलिटी के करोगे, आपका आंसर 0 से 1 ही आएगा या 0 to 100% के बीच ही आने वाला है। आप ये नहीं कहोगे सर मेरी प्रोबेबिलिटी 2 आ गई, ठीक है, फिर मैं बोलना सर पिटाई हो गई, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी 1 से ऊपर नहीं जाती, याद रखना। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 से 1 वेरी करता है, वो मैं अभी आपको लिखाऊंगा यहाँ पर। उसके अलावा मैं बात कर रहा था सैम्पल स्पेस की। तो सैम्पल स्पेस का मतलब क्या है? द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट हो उसके टोटल आउटकम क्या होंगे? दैट विल बी माई सैम्पल स्पेस, ठीक है। तो सैम्पल स्पेस लिख रहा हूँ, कोई शक अभी तक फिलहाल? ये टर्म्स बड़े इंपॉर्टेंट है बेटा, सैम्पल स्पेस। थोड़ा सा बेसिक तो बनाना पड़ेगा ना, जो भाषा यूज होनी है ना। अब अगर आपको इंग्लिश सिखानी है तो ABCD तो सिखानी पड़ेगी पहले। तो ये प्रोबेबिलिटी की ABCD है, ठीक है। बहुत ही आसान चैप्टर है बेटा, लेकिन अगर आप अच्छे से फोकस करोगे, क्वेश्चंस पूछोगे, ठीक है, डाउट्स रेज करोगे, तो ये बहुत ही इजी टॉपिक है, ठीक है। CDSE CAPF वालों को ये मैं दोबारा अलग से पढ़ाऊंगा। आज क्योंकि कंबाइंड क्लास है इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, बेसिक चीज़ें ध्यान रखना, उसके बाद आई विल कम अगेन, ठीक है। ये मेरा पार्ट है, ये मैं ही पढ़ाता हूँ, चाहे CDSE हो, चाहे CAPF हो, चाहे NDA हो, ठीक है। क्योंकि CDSE के मैथ्स के टीचर सतीश सर हैं, तो आज तो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, आज जितना बेसिक्स है उसको आप अच्छे से ग्रैस्प कर लो, उसके बाद सतीश सर अपने जो चैप्टर्स करा रहे हैं वही कंटिन्यू करेंगे, बट आई विल कम अगेन ये पढ़ाने, ठीक है। अच्छा, सैम्पल स्पेस क्या होता है? सैम्पल स्पेस हमने क्या पढ़ा? हाँ, द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट हो उसके जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं उसको मैं सैम्पल स्पेस कहता हूँ। और बेटा कैपिटल S से रिप्रेजेंट करूँगा मैं इसे, क्या बोलते हो? किससे रिप्रेजेंट करूँगा? कैपिटल S, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कैपिटल S बोल सकता हूँ, इसको S1 बोल दिया, इसको S2 बोल दिया, समझ में आ जाएगा कि सैम्पल स्पेस हैं दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स के। पहला एक्सपेरिमेंट क्या था? टॉसिंग अ कॉइन। दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या था? रोलिंग अ डाइस। अब ये सैम्पल स्पेस से निकालना कभी कभी महाभारत हो जाता है बच्चे के लिए, ये सैम्पल स्पेस से निकालना कभी कभी बच्चे के लिए महाभारत हो जाता है। अभी तो मैंने आसान एक्सपेरिमेंट्स दिए आपको ना, तो सैम्पल स्पेस आपने ठड़क निकाल दिया। लेकिन अब मैं बोलूँगा रोलिंग 2 डाइस, अगर मैं बोलूँगा टॉसिंग 3 कॉइन्स, उस केस में फिर आप बोलोगे क्या क्या आ सकता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी सिचुएशंस निकल के आएंगी। और यहीं पर रोल आता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, जो ये बच्चे कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन आपको मैं 2 मिनट में यहीं पर बताता हूँ, ठीक है, बहुत आसान है। तो सैम्पल स्पेस इज नथिंग बट द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। लेट्स सी नाउ एग्जांपल्स, ठीक है। अब मैं एग्जांपल्स के थ्रू आपको बताता हूँ, ध्यान से देखना बेटा। कभी कभी सिर्फ सैम्पल स्पेस निकालना भी आया है एग्जाम्स में, सिर्फ सैम्पल स्पेस निकालना। प्रोबेबिलिटी तो दूर की बात है, लेकिन सिर्फ सैम्पल स्पेस भी बच्चों से पूछा गया है। तो अगर मैं एग्जाम्पल देखूँ, अगर मैं बोलूँ एग्जाम्पल में टॉसिंग अ कॉइन, तो यहाँ पर सैम्पल स्पेस क्या आया था? हेड या टेल। अगर मैं बोलूँगा टॉसिंग टू कॉइन्स, अब देखना बेटा, अब आपको ये देखना कि अगर आप 2 कॉइन उछालो तो क्या क्या आ सकता है। ध्यान से देखना बेटा, दोनों हेड आ सकते हैं,
आ सकते हैं ना, कॉइन चला दोनों में हेड आ गया, या एक हेड आ सकता है और एक टेल आ सकता है, या पहला वाला टेल आ सकता है दूसरा वाला हेड आ सकता है। याद रखना ये अलग, ये एक अलग इवेंट है, हाँ इन दोनों को सेम मत कह देना। अरेंजमेंट एनडीए वालों के दिमाग में डाल रहा हूँ, अरेंजमेंट दिस टू आर डिफरेंट अरेंजमेंट्स, ठीक है। तो पहले हेड आना, पहले वाले सिक्के में हेड आना, दूसरे में टेल आना, ये एक अलग अरेंजमेंट है, और पहले में टेल दूसरे में हेड आना ये एक अलग अरेंजमेंट है, या क्या आ सकता है दोनों में टेल आ सकता है, यही चार पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। अगर मैं टॉसिंग टू कॉइन्स बोलूँ तो मेरा सैम्पल स्पेस क्या आ जाएगा, हेड हेड दोनों में हेड भी आ सकता है, या हेड टेल, या टेल हेड, या टेल टेल। अरे सर जब आपने एक कॉइन उछाला तो मेरे जो सैम्पल स्पेस आया वो आया दो आए मेरे, तो टू की पावर वन लिख सकता हूँ सर, मैं बोलूँगा लिख ले बेटा। सर अगर मैंने दो कॉइन्स उछाले तो मेरे वन टू थ्री फोर चार सैम्पल स्पेस आए, क्या इसको मैं टू की पावर टू लिख दूँ, मैं बोलूँगा लिख दे। तो अगर मैं तीन कॉइन्स उछालूँ बिना सैम्पल स्पेस लिखे, बिना आपको फिजिकली दिखाए, अगर मैं बोलूँ कि बेटा इफ़ आई टॉस थ्री कॉइन्स ना, अगर मैं तीन कॉइन्स उछालता सपोज टॉसिंग थ्री कॉइन्स, तो बिना सैम्पल स्पेस दिखाए क्या मैं बोल सकता हूँ आपको कि टोटल आने हैं टू की पावर थ्री, जो कि होता है एट। हाँ भले मैं आपको दिखा सकता हूँ, तीन के केस में ऐसे दिखा सकता हूँ मैं, आप चार बार हेड लिखिए, मैं आपको ये ब्रांच स्ट्रक्चर पढ़ाऊँगा, ये सिर्फ एनडीए के बच्चों के लिए ज़रूरी है, सैम्पल स्पेस कैसे निकालते हैं ना, जहाँ पर दो आउटकम्स हो बेटा मेरे। ये टू क्यों आया बेटा, क्योंकि एक सिक्का उछालूंगा तो कितने आउटकम आ रहे हैं, दो, हेड या टेल, इसलिए हम टू की पावर में सब कुछ लेते हैं। अभी मैं अगर एक बार डाइस को रोल करूंगा तो कितने आउटकम आएंगे, छः, तो वहाँ सिक्स की पावर्स में आने वाला है सब, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा चार बार हेड लिखा मैंने, चार बार मैंने टेल लिखा, कोई दिक्कत अभी तक, चार के बाद दो में आ जाओ, दो हेड लिखो दो टेल लिखो, दो हेड लिखो दो टेल लिखो, फिर एक में आ जाओ, एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, तो ये टोटल आठ मेरे ऐसे क्या हैं अरेंजमेंट्स हैं, टोटल एट। ये सैम्पल स्पेस है, अगर आप तीन कॉइन्स, ये एस थ्री ले लेता हूँ, उसे कॉमा लगेगा, अगर ऐसे चार करूँगा तो आप बोलोगे अरे सर बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, वो भी आसान है लेकिन एग्जाम में आएगा नहीं, हाँ बनाने के लिए तीन तक बनाने के लिए भी नहीं आएगा, लेकिन ये तीन तक जानना ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है अभी मैं बताऊँगा आपको। अच्छा अगर मैं बोलूँगा सर टॉसिंग टेन कॉइन्स, एग्जाम में आया टॉसिंग टेन कॉइन्स, हाँ बेटा टू की पावर टेन बोल दो सीधा, 1024 होता है इसका आंसर, ठीक है 1024। इसका मतलब इन जनरल अगर मैं n कॉइन्स टॉस करूं, n कॉइन्स, तो मेरा जो सैंपल स्पेस आ जाएगा दैट विल बी टू की पावर n, क्या बोलते हो। अच्छा अगर ये एग्जांपल मैं रोलिंग अ डाइस का दूं आपको, सपोज रोलिंग अ डाइस, रोलिंग अ डाइस, तो पहला सैंपल स्पेस क्या जाएगा मेरा 1 2 3 4 5 6, कोई शक। अगर मैं बोलूँगा रोलिंग टू डाइस, अगर आप दो डाइस रोल करते हो, हाँ पहले मुझे सैंपल स्पेस तो बताओ। हाँ अच्छा इसको मैं बोल सकता हूँ 6 की पावर 1 6, टोटल कितने एलिमेंट्स आएंगे 6। अगर आप दो करोगे तो आप बोलोगे सर 6 की पावर 2 36, दिखा देता हूँ आपको, दिखा देता हूँ ठीक है। अगर मैं दो पासों को फेंकूँ तो दोनों में इक्का इक्का भी आ सकता है, देखो सैंपल स्पेस दिखा रहा हूँ मैं आपको, दोनों में वन वन भी आ सकता है, या पहले में वन दूसरे में टू, या 1 3 से लेकर 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 1 6, या 2 1 2 2 2 3 से लेकर 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 2 6, उसी तरह सिमिलरली 3 1 4 1 5 1, लास्ट में 6 1 से लेकर 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 6 6। तो रोज कितने हैं 1 2 3 4 5 6, कॉलम्स कितने हैं, कॉलम्स भी 6 हैं, रोज कितने हैं 1 2 3 4 5 6, 6 6 36, टोटल 36 सैम्पल स्पेस विल कम आउट। इसका मतलब इन जनरल अगर मैं बोलूं रोलिंग n डाइस, सो योर आंसर विल बी सैम्पल स्पेस विल बी 6 की पावर n, कोई शक, लिख डालो फटाफट से, चेप डालो। ये सैम्पल स्पेस दिखाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कुछ बेहतरीन सवाल देने वाला हूँ मैं आपको बेस्ड ऑन दिस। तो सैम्पल स्पेस का फंडा क्लियर हुआ, हाँ सैम्पल स्पेस इज नथिंग बट द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब ये बहुत ही विचित्र आउटकम्स आने वाले हैं, अभी तो ये सारे आसान थे और वो विचित्र आउटकम्स हमें पता है क्योंकि हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा है। अभी हम लोग प्रोबेबिलिटी के डेफिनेशन में नहीं आए बेटा, अभी तक हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी नहीं आती, आती है अभी तक पढ़ा ही नहीं,
प्रोबेबिलिटी का सिर्फ हमने एक लिटरल मीनिंग पढ़ा कि चांस होता है, थ्योरेटिकल। अभी तक हम प्रैक्टिकल कंसेप्ट में तो आए नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है मेरा इवेंट। क्या टॉपिक है? इवेंट। अच्छा, इवेंट क्या होता है? इवेंट इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ सैम्पल स्पेस ओनली। सपोज मैंने क्या फेंका, मैंने एक कॉइन फेंका, क्या आया? हेड या टेल आया, ठीक है। ये तो टोटल सैम्पल स्पेस हो गया, लेकिन इसमें सिर्फ हेड आना एक इवेंट है, या सिर्फ टेल आना इसमें एक इवेंट है, ठीक है। जैसे मैंने दो कॉइन्स छाले, तो दोनों में हेड आना एक इवेंट हो गया, या हेड और टेल आना ये इवेंट हो गया। तो इवेंट इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ सैम्पल स्पेस ओनली। इवेंट्स क्या होते हैं? द पार्ट ऑफ सैम्पल स्पेस। डेफिनेशन क्या लिखाऊंगा मैं आपको? अच्छा, इंडिया को हम बोलते हैं, इंडिया इज अ सब कॉन्टिनेंट। इंडिया इज अ सब कॉन्टिनेंट क्योंकि एक कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। कॉन्टिनेंट है एशिया और इंडिया उसका एक हिस्सा है, तो हम बोलते हैं इंडिया इज अ सब कॉन्टिनेंट। सब सब मतलब उसका हिस्सा। उसी तरीके से मैं बोल सकता हूं कि मेरे इवेंट्स क्या हैं? सब सैंपल स्पेस, या इसको मैं बोलूंगा सबसेट। सबसेट मतलब होता है उसका हिस्सा ना, सेट का। सबसेट का मतलब होता है कि भैया जो भी इवेंट बनेगा वो कहाँ से निकल के आया होगा? उसके सैंपल स्पेस से ही निकल के आया होगा, याद रखना, ठीक है। तो मैं इवेंट्स की डेफिनेशन लिखाता हूँ मैं आपको, बहुत ईजी है, ध्यान से देखना बेटा। इवेंट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? बहुत सिंपल डेफिनेशन। व्हाट इज एन इवेंट? सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। ध्यान से देखना इस चीज को, ध्यान से। अगर मैं एक एग्जांपल बोलूँ, एक एक्सपेरिमेंट फेंक रहा हूं मैं आपके सामने, और वो एक्सपेरिमेंट क्या है? टॉसिंग टू कॉइंस। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, टॉसिंग टू कॉइंस क्या है? मेरा एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट है तो सैंपल स्पेस निकाल लेता हूं। उसका सैंपल स्पेस क्या जाएगा? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। कोई शक फिलहाल अभी तक? हाँ, अभी मैं इवेंट्स में नहीं आया। अब मैं इवेंट डिफाइन करता हूँ। अब जो भी मेरा इवेंट निकल के आएगा बेटा, इसी के अंदर से आएगा, इसके बाहर से कुछ नहीं आ सकता, याद रखना, ठीक है। तो सैंपल स्पेस एक तरीके का यूनिवर्स है इवेंट के लिए। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मैं डिफेंस ऑफिसर्स का ही हिस्सा हूँ ना, तो डिफेंस ऑफिसर्स एक बहुत बड़ा सेट है जिसमें एक हिस्सा मैं हूँ, या एक हिस्सा ये कोर्स है NDA। NDA इज़ द पार्ट ऑफ डिफेंस ऑफिसर्स अकेडमी। CDSE इज़ अ पार्ट ऑफ डिफेंस ऑफिसर्स अकेडमी। तो जो भी NDA का होगा वो DOA के अंदर ही बैठने वाला है, डिफेंस ऑफिसर्स अकेडमी के अंदर ही बैठने वाला है। उसी तरीके से वट एवर इवेंट्स विल कम, इट विल कम फ्रॉम दिस सैम्पल स्पेस ओनली, बिकॉज दिस इज द ओनली एक्सपेरिमेंट। अगर मैं बोलूँगा एक इवेंट बनाऊंगा मैं, एक इवेंट, इवेंट का नाम रख दिया मैंने तीन हेड है, कोई इसमें तीन हेड है, तो इवेंट कैसे डिफाइन होगा बेटा? वो इवेंट डिफाइन ही नहीं हो सकता, क्योंकि वो किसके किसका पार्ट होना चाहिए? जो मेरा एक्सपेरिमेंट है, जो मेरा सैंपल स्पेस है। अब यहाँ पर मैं कुछ इवेंट्स डिफाइन करता हूँ। सपोज पहला इवेंट, ध्यान से देखना, इवन, इवेंट्स को मैं ई से दर्शाता हूँ। किससे दर्शाता हूँ? कैपिटल ई से। मैंने एक इवेंट क्या बनाया? ओनली वन हेड। क्या बनाया मैंने? ओनली वन हेड। ध्यान से देखना बेटा, एक इवेंट क्या बोला मैंने? ओनली वन हेड। अच्छा, ओनली वन हेड वाले कितने हैं इसमें? ध्यान से देखना, एक तो HT है और एक TH है, जिसमें ओनली वन हेड है, तो ये इवेंट हो गया। इवेंट का मतलब ये मत सोचना कि एक ही एलिमेंट आएगा, दो भी आ सकते हैं, तीन भी आ सकते हैं, चारों के चार एलिमेंट भी आ सकते हैं। क्या बोलते हो? हाँ, दूसरा इवेंट बना रहा हूँ, ध्यान से देखना, एटलीस्ट एटलीस्ट वन हेड। ध्यान से देखना, एटलीस्ट वन हेड का मतलब क्या है बेटा? सारी आपने लैंग्वेज समझनी है। क्या एटलीस्ट वन हेड का मतलब है? कम से कम, सपोज अगर देखो सैंपल स्पेस तो मेरे पास टोटल है। सपोज अगर आपके पास 10 रुपये हैं, ठीक है, और मैं आपसे कहूँगा बेटा कम से कम 5 रुपये लाने, तो आप कम से कम तो 5 ला सकते हो, लेकिन उससे कितना कितने तक आप और ला सकते हो? हाँ, 5 तो आप कम से कम लाओगे। अगर मैं बोलूँगा बेटा हम लोग सब पिकनिक में जा रहे हैं और आपके पास 10 रुपये हैं, मुझे पता है टोटल आपके पास कितना है सैंपल स्पेस 10 रुपये, और मैं बोलूँगा आपको कम से कम 5 रुपये लाने हैं, तो कम से कम का मतलब क्या है? मिनिमम 5 रुपये, लेकिन आप चाहो तो 6 भी ला सकते हो, आप चाहो तो 7 भी ला सकते हो, तो मैक्सिमम लिमिट क्या रहेगी आपकी? 10, जितने पैसे हैं मेरे पास। उसी तरह एटलीस्ट वन हेड का मतलब क्या है? जिसमें वन हेड होगा वो तो मुझे चाहिए चाहिए, लेकिन अगर वन से ज़्यादा भी हो तो वो भी चलेगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कितने हेड हैं इसमें? 2, तो ये 2 वाला भी चलेगा। ध्यान से समझना इस चीज़ को, कम से कम का मतलब क्या है। तो मेरे E2 में क्या क्या आ जाएगा बेटा? इवेंट्स, एटलीस्ट वन हेड का मतलब है एक आ जाएगा HT, एक हेड तो है इसमें, एक आ जाएगा TH, इसमें भी एक हेड है, और 2 भी चलेगा, TT नहीं चलेगा क्योंकि इसमें कम से कम मुझे, अगर कम से कम 5 का मतलब है 4 रुपये नहीं चलेगा बेटा, कम से कम 5 है तो कम से कम एक हेड है। अच्छा, अगर मैं बोलूँ E3, ध्यान से देखना, एटमोस्ट
एटमोस्ट टू हेड्स, क्या बोला मैंने, एटमोस्ट टू हेड्स। अब वन मत बोलो बेटा, ये भी समझना है एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा अगर मैं बोलूँगा आपसे, आपके पास 10 रुपये हैं, मैं बोलूँगा बेटा ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये लाने हैं आपको, ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये का मतलब क्या है, क्या मैंने आपको बोला कि 10 ही लाने हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा 10 बोला, ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, आप ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कितने ला सकते हो 10, लेकिन उसके अलावा 8 भी ला सकते हो, 9 भी ला सकते हो, 7 भी ला सकते हो और 0 भी ला सकते हो। एटमोस्ट का मतलब क्या है कि मैक्सिमम लिमिट दी है लेकिन उससे कम भी चलेगी जितनी है। दिस यू हैव टू रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट, ये एटलीस्ट एटमोस्ट ये सारे टर्म्स क्लियर होने चाहिए, आगे क्वेश्चन आएंगे। तो एटमोस्ट टू हेड्स का मतलब क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड, ठीक है 2 हेड, लेकिन एक भी चलेगा ना और 0 भी चलेंगे, 0 हेड भी चलेगा भैया। इसका मतलब सर ये तो सारे इवेंट्स आ गए बिल्कुल, इसी का तो हिस्सा है ये भी, इससे बाहर कुछ नहीं आने का, इससे बाहर नहीं आएगा, यही आ गया पूरा, तो क्या दिक्कत है, ठीक है। हाँ तो ये मैंने कुछ इवेंट्स डिफाइन करे हैं, इस तरीके से मैं बहुत सारे और इवेंट्स भी डिफाइन कर सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको अभी 3 इवेंट्स मैंने डिफाइन करे, अभी लिखना मत। अब मैं आता हूँ डेफिनेशन में, ध्यान से देखना, मैंने आपको बताया रैंडम एक्सपेरिमेंट, मैंने आपको बताया सैम्पल स्पेस, उसके बाद कूदा मैं इवेंट्स में। तो इवेंट्स ने आपने क्या देखा, ये इवेंट्स सैम्पल स्पेस का ही हिस्सा है भैया, ये जो सैम्पल स्पेस बनाया ना मैंने, ये सारे E1 E2 E3 इसी के हिस्से हैं, इससे बाहर नहीं जाएगा कोई। अब मैं आपको बात करता हूँ प्रोबेबिलिटी की, अब देखते हैं कि मैथमेटिकली प्रोबेबिलिटी होता क्या है, ध्यान से देखना इस चीज़ को। सो बेटा प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ, ठीक है। अच्छा प्रोबेबिलिटी हम किसी भी इवेंट की निकालते हैं, तो मैं ऐसे बोलूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ, ध्यान से देखना, द रेशियो रेशियो ऑफ द फेवरेबल आउटकम्स ऑफ दैट इवेंट, उस इवेंट के जो आउटकम हो। एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इवेंट्स, तो जो भी वो इवेंट होगा उसमें कितने एलिमेंट्स आए वो लिखूंगा, अपॉन क्या लिखूंगा मैं, एन ऑफ एस का मतलब क्या होता है, सैम्पल स्पेस के टोटल इवेंट्स। दिस इज द डेफिनेशन, मतलब दिस इज द डेफिनेशन इन मैथमेटिकल फॉर्म। इसको बोलते कैसे हैं, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ऑफ एन इवेंट ई इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दैट इवेंट ई टू द नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस, ठीक है। दिस इज द डेफिनेशन, अब ध्यान से देखना, अब देख लो यहाँ, अब अच्छा मुंह बनाओ बेटा, समझना है। अच्छा अब मैं यहाँ इसका निकालता हूँ, मैं निकालता हूँ इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी, बाय द वे मैंने सिक्का उछाला, अब अच्छे से देखना मैंने क्या बोला, मैंने बोला उस इवेंट की, और हम लोग जो इवेंट्स है ना इन्हीं की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम देने के आउटकम्स क्या हो सकते हैं, या तो मैं पास होऊंगा या तो मैं फेल होऊंगा, या तो मैं पास होऊंगा या तो मैं फेल होऊंगा, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालेंगे हम, या तो पास होने की या तो फेल होने की। मैं ये तो बोलूंगा आपके पास होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो पास होना एक इवेंट हो गया ना। अच्छा वेदर में क्या हो सकता है, या तो बारिश होगी या तो धूप निकलेगी ना, तो बारिश होना धूप होना कलेक्टिवली सैम्पल स्पेस है, लेकिन इंडिविजुअली अगर मैं इंडिविजुअली की बात करूँ, इफ़ आई टॉक इंडिविजुअली, तो इंडिविजुअली क्या है, अगर मैं एक बारिश होने की बात करूँ तो बारिश होना एक इवेंट है कि नहीं है, बारिश होना इज एक इवेंट ना, धूप आना इज अनदर इवेंट। तो मैं प्रोबेबिलिटी किसकी निकालूंगा, बारिश होने की क्या प्रोबेबिलिटी है बेटा, क्या शंका है आज बारिश होने की, जो जो वेदर डिपार्टमेंट या मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो निकालता है वो एक इवेंट हो गया ना। तो हमेशा प्रोबेबिलिटी किसकी निकलती है, इवेंट की, हमेशा प्रोबेबिलिटी किसकी निकलती है, इवेंट की। और उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, उस इवेंट के मुझे एलिमेंट चाहिए ये, और टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा हमने क्या पढ़ा, उसके अलावा हमने ये भी देखा था एज अ नोट कि जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है, प्रोबेबिलिटी शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, वेरीज फ्रैक्शन में 0 to 1 क्या बोलते हो, परसेंटेज में 0% to 100%। अच्छा अब मैं प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ एक एक करके, आप देख लो। अच्छा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इवन इज नथिंग बट, ध्यान से देखना बहुत इजी, एन ऑफ ई, तो यहाँ पर एन ऑफ इवन आ जाएगा अपॉन एन ऑफ एस सैम्पल स्पेस। अच्छा एन ऑफ इवन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इवन में कितने एलिमेंट्स हैं, 2, पहला ये दूसरा ये, 2 अपॉन नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितना है, 1 2 3 4 4, 2/4 मतलब हाफ, हाफ का मतलब है इसको आप और करके 50% भी लिख सकते हो। इसका मतलब सर अगर मैं 2 बार सिक्का उछालूं और उसमें 1 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 50%। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, सॉरी ओनली 1 हेड, 50%।
अच्छा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, कम से कम हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? पी ऑफ ई टू इज नथिंग बट एन ऑफ ई टू अपॉन टोटल सैंपल स्पेस. व्हाट इज एन ऑफ ई टू? 1, 2, 3. एन का मतलब होता है कार्डिनलिटी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्डिनलिटी? द नंबर ऑफ इवेंट्स. कार्डिनलिटी इज ऑल्सो अ गुड वर्ड. कार्डिनलिटी का मतलब क्या है? मैं बोलूँगा इस क्लास की कार्डिनलिटी क्या है, 1, 2, 3, 4 जितने बच्चे हैं इस क्लास में, दैट इज द कार्डिनलिटी. कार्डिनलिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स. ठीक है, सो व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ ई टू? 1, 2, 3 अपॉन व्हाट इज द सैम्पल स्पेस? 4. इसको परसेंटेज में चेंज करूंगा, इनटू 100 करूंगा तो कितना परसेंट आएगा? 75%. मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है भैया इससे. मैं कहूँगा अगर दो सिक्के छालने में एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ओनली वन हेड. सिर्फ 50% है, 50% भैया आ भी सकता है नहीं भी. इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? इसकी 75% है, इसके जाने होने के चांसेस हैं. इसकी प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं. अब मैं बोलूँगा दो सिक्के उछाले मैंने और उन दोनों सिक्के में छालने में ज़्यादा से ज़्यादा दो हेड्स आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पी ऑफ ई थ्री विल बी इज नथिंग बट 4 एन ऑफ ई थ्री अपॉन 4. कितनी आई? 1. 1 मतलब 100%. अच्छा एक और इवेंट में डिफाइन करता हूँ आप लोगों के लिए, एक और इवेंट में E4 डिफाइन करता हूँ. ठीक है, और E4 इवेंट मैंने डिफाइन करा मैक्सिमम 3 हेड्स. कितने हेड्स होने चाहिए? 3 हेड्स. हाँ भाई 3 हेड्स. क्या क्या आ जाएगा E4? कुछ भी नहीं आएगा, 0 नहीं. मतलब इसको बोलते हैं हम लोग एम्प्टी सेट, वॉइड सेट. इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है. मतलब मैं बोलूँगा संडे को बच्चे को आने की प्रोबेबिलिटी, संडे में कितने यहाँ पर बच्चे बैठ रहेंगे? 0. ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी पी ऑफ E4? कितने हैं इसमें इवेंट? 0 अपॉन सैम्पल स्पेस कितना है? 4 ही है. 0 और जीरो. हाँ क्या मैक्सिमम 3 हेड्स है ना, ज़्यादा ज़्यादा 3 आ सकते हैं, उससे कम नहीं कर सकते. ले ले अब ठीक है 3 हेड्स. ठीक है एग्जैक्ट 3 हेड्स. तो मैं आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर 0% भी दिखाया, 25% भी दिखाया, नहीं 25 नहीं दिखाया सॉरी, 50 आया, मैं 75 आया, फिर 100 आया. मैं एक वेरिएशन दिखाना चाह रहा था आपको. ठीक है, तो हमने क्या सीखा? प्रोबेबिलिटी से पहले तभी तो वो टर्म्स आपको समझाने. इसका मतलब प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं है सर, मुझे एक तो क्या पता होना चाहिए जो मेरा इवेंट है उसके आउटकम्स पता होने चाहिए मुझे, उस इवेंट में क्या क्या आएगा और टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस क्या क्या आ सकता है. क्या बोलते हो? अरे सर ये तो बहुत आसान है कि नहीं आसान मैथमेटिकली देखा जाए तो? लेकिन बेटा अभी क्वेश्चन दिए नहीं मैंने आपको, नोट करो इसे. अभी आउटकम निकालना और इवेंट निकालना ये सबसे टफ रहता है बच्चों के लिए. तो प्रोबेबिलिटी समझ में आई अभी तक? रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट है जिसका आउटपुट हम लोग श्योरली नहीं बता सकते, नंबर वन. सेकेंड सैम्पल स्पेस, वी हैव सीन दैट द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ अ सैम्पल ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज नथिंग बट अ सैम्पल स्पेस. देन बट वी हैव सीन इवेंट्स, इवेंट्स आर नथिंग बट द पार्ट ऑफ. अब जरा पत्तों के बारे में बात कर लें, बड़े इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इसको पत्ते खेलने में यूटिलाइज मत करना. हाँ लेकिन पूरा खेल प्रोबेबिलिटी का ही है बेटा, आपको पता होना चाहिए कि मेरे जीतने के चांस, अगर मैंने ये फेंका तो मेरे जीतने के चांस क्या है यार. ठीक है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी बड़ी साउंड होनी चाहिए अगर आपको एक अच्छा जुआरी बनना है तो. अगर मल्टी टैलेंटेड बनना है तो वो अलग बात है, जो हर चीज़ में तेज़ हो उसको वो भी जब अगर अपॉर्चुनिटी मिली ताश खेलने की तो वो भी खेल लिया. जुआरी थोड़ा बनना है मुझे, मुझे तो मल्टी टैलेंटेड बनना है. फौज में ऐसे लोग चाहिए, उन्हें फौज में चाहिए कि जो बच्चा कहीं भी अकोमोडेट हो जाए, उसको मैं धूप में भी फेंकूँ तो वहाँ पर भी अच्छे से काम करें, उसको मैं अगर छाँव में भी रखूँ तो वहाँ पर भी अच्छे से काम करें. मल्टी टैलेंटेड जो अकोमोडेट अच्छी जगह हो जाए. ठीक है, उसको दिमाग से रिलेट मत करना, दिमाग से कोई लेना देना नहीं है उसका. ठीक है, प्रैक्टिकल चीज़ों से लेना देना है. तो प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप अकोमोडेट हो रहे हो और अभी से मैनेज अच्छे से कर रहे हो, मैनेज का मतलब अभी तो आप और बहुत सी सिचुएशन में आप लोग घर में मम्मी है जो आपको कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकती है सुना सुना के, तो मुझे वो भी मैनेज करना है. पापा कुछ कह रहे हैं, मम्मी कुछ कह रही है, दोस्तों को भी टाइम देना है, सारी चीज़ें. तो अभी आप इतनी अच्छी स्टेज में हो कि आप बहुत अच्छा मैनेजमेंट सीख सकते हो जो फौज में बड़ा काम आएगा आपका. समझ रहे हो यार, अपने दोस्तों को भी टाइम देना है, नहीं तो वो बुरा मान जाएंगे. ऐसा फिर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मम्मी को मैंने टाइम नहीं दिया. घर वालों के साथ सोशल भी होना है, घर वालों के साथ टीवी देख सकते हो आप, खाना साथ में खा सकते हो सोशल होने के लिए, पिताजी से भी बात करनी है. कितने ऐसे बच्चे हैं जिनकी पिताजी से बात नहीं होती? सच बताना, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके पापा से बात नहीं होती? करनी है बेटा हफ्ते में क्या, तो कोई काम है क्या हफ्ते में? कोई सैटरडे सेशन हो रहा है क्या? वो हफ्ते में एक दिन होगी. मतलब कहाँ है, फौज में आपके पापा
या घर पे? फौज में हाँ, तो वो अलग चीज़ है, लेकिन बात होती है ना, मतलब नॉर्मली जब आते हैं तो वैसे तो मजाक वजाक चलती होगी, तो आपने अपने फादर से भी बात करनी है, मदर से भी, मतलब मैं चाहता हूँ कि बच्चा सोशल हो सभी से, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछ लेगा कि हाउ इज़ योर रिलेशन विद योर फादर, फिर तो कोई नेगेटिव एलिमेंट आपको याद आएगा, अरे यार मैं अपने पापा से बात नहीं करता, और वो चीज़ें रिफ्लेक्ट हो जाएंगी वहाँ पर, समझ रहे हो इस चीज़ को? तो जैसा भी रिलेशन है आपको उस चीज़ को अच्छा बनाने की कोशिश करो, टाइम लगता है, टेक्स टाइम, मैं नहीं कह रहा कि हो जाएगा। चलो कार्ड्स में आते हैं, आज 52 कार्ड्स की थ्योरी आपको बताता हूँ, कल फिर हम लोग प्रैक्टिकल में आएंगे। और 52 कार्ड्स, ये तो आपको समझ में आ गया, वो भी समझ में आ गया, लूडो कार्ड्स में आते हैं। अच्छा कार्ड्स मैं बच्चे से पूछूंगा, ठीक है, अब देखते हैं कौन कितना एक्सपर्ट है। कितने कार्ड्स होते हैं? 52। जोकर को लूँ या नहीं लूँ? जोकर नहीं ले रहा मैं, जोकर को अगर ले लूँगा तो 53 कार्ड्स हो जाएंगे, ठीक है। हाँ जोकर वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे बेटा एग्जाम में, आप ही कह तो कर भी लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये मत कहना कि सर कहीं कहीं पर दो जोकर भी आते हैं किसी कार्ड में, ठीक है। तो कार्ड में मेरे होते हैं 52, अ पैक ऑफ कार्ड कंटेन्स 52 कार्ड्स, ठीक है। अच्छा उस 52 कार्ड्स में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, उस 52 में आपको कैसे कैसे मिल सकते हैं, ठीक है। आप मुझे बताना इसको हम क्या क्या बोलते हैं, नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। मैं काले से और रेड से, देखो मेरे पास हैं भी, देखे ना कार्ड्स, देखे तो होंगे बस, ठीक है, नहीं तो नेट में देख लेना। एक आपको ऐसे मिलेगा, ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पान, चिड़ी बेटा ये। अच्छा इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाँ हिंदी में हुक्म बोलते हैं और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, स्पेड। अच्छा ये कितने कार्ड्स होंगे टोटल? 13 कैसे होंगे? आपने ये तो देखा होगा ना बेटा, एक इक्का होता है, फिर 2, 3, 4, 5 से लेकर 10 तक होगा, फिर 10 के बाद होगा J, Q, K, तो J मतलब 11, ये 12 और 13, तो ऐसे कितने कार्ड्स होंगे? 13, ठीक है, कितने होंगे? 13, कोई शक? 13 नंबर ऑफ कार्ड्स, 13 नंबर ऑफ कार्ड्स। अच्छा नंबर ऑफ फेस कार्ड्स, फेस कार्ड्स का मतलब क्या बेटा? जिसमें फेस बनाओ, तो फेस तो इसी में बनाऊंगा, इसको क्या बोलते हैं? हाँ जोकर, मैंने कर देनी पिटाई, कैसे लोग गुलाम है बेटा, ये गुलाम है, जोकर नहीं ये गुलाम है, ये रानी है, बेगम बोलते हैं, ये बादशाह है, ठीक है, J, Q, K। तो फेस कार्ड्स का मतलब क्या है? फेस कार्ड्स में जिसमें फेस बने हुए, तो तीन ही कार्ड्स हैं जिसमें फेस बने होते हैं, 3 फेस कार्ड्स, J, Q, K। अच्छा एस कार्ड्स, इक्का वाला एक ही होगा भैया, इक्का तो एक ही होगा, क्या बोलते हो? स्पेड बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं? यार हिंदी में मुझे थोड़ा सा देख लेना, हुक्म जैसा भी है, ठीक है। और कलर भी कैसा होता है बेटा? ब्लैक, ये ब्लैक कलर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ब्लैक से दिखा रहा हूँ। अच्छा फिर ये कैसा होता है? गुलाम गुलाम मत बोलो बेटा, ये चिड़ी है, चिड़ी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्लब, ठीक है। अच्छा कितने कार्ड्स होंगे इसमें? इसमें हाँ 13 इसमें भी होंगे, ये भी ब्लैक कलर का ही होता है। नंबर ऑफ फेस कार्ड्स फिर से इसमें 3 होंगे, एस कार्ड्स कितना होगा? 1। अच्छा अगर मैं टोटल ब्लैक कार्ड्स की बात करूँ तो टोटल ब्लैक कार्ड्स कितने होंगे? 26, क्या बोलते हो? हाँ टोटल ब्लैक कार्ड्स, कोई शक? अच्छा इसके अलावा अब रेड से आता हूँ मैं, ठीक है, रेड से। अच्छा रेड से तो एक ही होता है, हाँ उसको पान बोलते हैं, और वैसे क्या बोलेंगे? हार्ट, ठीक है, पान। अगेन द सेम थिंग रेड से है, तो नंबर ऑफ कार्ड्स की बात करूँ अगर मैं, नंबर ऑफ कार्ड्स एंड नंबर ऑफ एस कार्ड्स, नंबर ऑफ फेस कार्ड्स और फिर नंबर ऑफ एस कार्ड, एस मतलब टॉप नंबर 1, कोई शक? अच्छा नंबर ऑफ कार्ड्स हाउ मच? 13 होंगे, ये भी रेड वाले भी 13 होंगे, सारे 13 ही होते हैं, 13। फेस कार्ड कितने? 3, एस कार्ड फिर से 1, ठीक है, रेड कलर भी दिखा रहा हूँ बेटा आपको मैं, हाँ ये ध्यान रखना। एंड फाइनली यू विल हैव डायमंड, ठीक है, हाँ डायमंड बेटा ये तो जो जुहारी उन्हीं से पूछना,
हाँ ये तो पूछा नहीं इसने। कहाँ दिखता है बेटा पान की तरह? अच्छा रेड रेड ओके। कितने 13, कितने 3, कितने 1? अच्छा तो टोटल रेड भी कितने हो गए? 26 रेड कार्ड्स, ठीक है, 26 रेड कार्ड्स। तो 26 रेड कार्ड्स और 26 ब्लैक कार्ड्स को अगर मैं मिला दूंगा तो कितने हो जाएंगे? 52 टोटल पत्ते हो गए, जिसमें 26 रेड है और 26 ब्लैक है। अगर मैं टोटल फेस कार्ड्स की बात करूँ बेटा, आप बताओ तनु बेटा टोटल फेस कार्ड्स कितने हैं? टोटल 12, बहुत अच्छे। टोटल फेस कार्ड्स कितने हैं? 6 2 6 2, ठीक है। ये 6 2 का मतलब क्या है ये भी मैं अभी बात करूँगा आपके। तो 6 और 6 कितना हो गया? 12। टोटल फेस कार्ड्स कितने हो गए मेरे पास? 12। टोटल एस कार्ड्स? 4। ब्लैक फेस कार्ड्स? ब्लैक भी बोलेगा, ब्लैक फेस कार्ड्स, ब्लैक एस कार्ड्स, रेड फेस कार्ड्स, रेड एस कार्ड्स। बन गए जुआरी, बना लो बेटा, बहुत ज़रूरी है, बना लो। ये नाम पता होना चाहिए आपको, स्पेड क्लब हार्ट डायमंड, ठीक है। अभी तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं बेस्ड ऑन दिस चैप्टर, आसान है। मतलब यू शुड नो योर एम, दैट माई एम इज़ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इवेंट्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट इवेंट एंड द सैम्पल स्पेस। अगर मुझे दो चीज़ें समझ में आ गई तो मैं प्रोबेबिलिटी क्यों निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो अब पूरी कहानी दौड़ेगी आपके इवेंट्स क्या है वो निकालने में और सैम्पल स्पेस क्या है वो निकालने में, ठीक है। पूरी कहानी प्रोबेबिलिटी की यहीं दौड़ती है और एनडीए के तो थोड़ा सा और आगे दौड़ती है। अच्छा अगर मैं आपसे बोलूँगा बेटा, सपोज आई हैव टू ड्रॉ 1 कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है। इफ़ आई हैव टू ड्रॉ वन कार्ड फ्रॉम 52 कार्ड्स, तो वो एक कार्ड को निकालने के कितने तरीके आ सकते हैं? सैम्पल स्पेस विल बी हाउ मच? बेटा 52। अब मैं दिखा नहीं सकता आपको सैम्पल स्पेस, क्यों दिखाऊं? सारे कार्ड्स बनाने पड़ेंगे मुझे यहाँ पर, ठीक है। लेकिन मुझे पता है 52, मतलब सपोज इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि सपोज अगर मेरे हाथ में पत्ते हैं, मैं बोलूँगा बेटा आप एक निकालो, वो एक पत्ता क्या हो सकता है? दैट विल बी माई टोटल सैम्पल स्पेस। वो एक पत्ता क्या हो सकता है? इन 52 में से कुछ भी हो सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितना है? 52। अच्छा अगर मैं बोलूँगा यू हैव टू ड्रॉ 2 कार्ड्स, अब है कहानी घूमी भैया, ड्रॉ 2 कार्ड्स फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, अब ये कहानी घूम गई बेटा, अब यहाँ हालत ख़राब हो गई बच्चों की। अगर अब मैं कहूँगा 2 कार्ड्स, अब वो 2 कार्ड्स कितने कॉम्बिनेशन आ सकते हैं बेटा? दोनों इक्के हो सकते हैं, काले वाले के, लाल के, पता नहीं कितने कॉम्बिनेशन आएंगे। अब मैं कैसे करूँ? तो मैं अगर बच्चों को डायरेक्टली ये सवाल देता ना, यू हैव टू ड्रॉ 1 कार्ड, वो प्रोबेबिलिटी निकालते। मैं बोलता यू हैव टू ड्रॉ 1 कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन कार्ड इज अ किंग ना, तो ड्रॉन कार्ड इज अ किंग। अगर मैं प्रोबेबिलिटी किंग की निकालता, मुझे एक कार्ड ड्रॉ करना है, तो किंग कितने होते हैं टोटल? किंग तो 4 होते हैं और टोटल कितने में से? 52 में से। ये किंग की प्रोबेबिलिटी आती। अगर मैं बोलता कि आपको निकालना है फेस कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, यू हैव टू ड्रॉ 1 कार्ड, 52 कार्डों में से आपको एक कार्ड निकालना है, उस एक कार्ड में फेस कार्ड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो टोटल फेस कार्ड्स कितने होते हैं? 12 अपॉन टोटल सैंपल स्पेस 52। ये तो आसान है, आप बहुत आराम से निकाल दोगे, बिकॉज यू हैव व्हाट? सैंपल स्पेस विथ यू, प्लस इवेंट्स निकालना इज वेरी इजी। बट नाउ इफ यू हैव टू ड्रॉ 2 कार्ड्स फ्रॉम 52 कार्ड्स, ऑफ सैंपल स्पेस निकालना इज इटसेल्फ वेरी टफ। तो यहीं पर आता है कॉन्सेप्ट ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बेटा। अब बच्चों को समझ में आएगा, ये जो एनडीए के बच्चे, ये मैं आपको भी समझाऊंगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, 52 कार्ड में से मुझे 2 कार्ड निकालने हैं, ये मेरा सैंपल स्पेस आ गया। अरे सर ये क्या लिख दिया आपने? CAPF वालों कभी देखा है? हाँ आपने? कोई बात नहीं, मैं सिखाऊंगा। 11th 12th में मैथ्स थी आपकी? हाँ इसीलिए, कोई बात नहीं, इट्स वेरी इजी, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस विच यू विल गेट इफ यू ड्रॉ 2 कार्ड्स आउट ऑफ 52, दिस इज द सैम्पल स्पेस। ऐसे लिख लो अभी फिलहाल, इसको कैसे सॉल्व करते हैं क्या करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ऐसे लिख लो, अगर मैं बोलूँगा 3 कार्ड्स 52 C3,
हेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन इज देयर इन द पिक्चर. 1326 इस बच्चे ने निकाल भी दिया. 1326 अब 1326 कैसे दिखाऊं मैं आपको तरीके ना, और कितने सारे कॉम्बिनेशन आएंगे. इसको सॉल्व कैसे करते हैं मैथमेटिकली दैट आई टेल यू, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट. बट अब आपको समझ में आया ना बेटा वाई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रोबेबिलिटी. ठीक है, तो ये बच्चों तक के सवाल तो हमसे हो जाते थे, लेकिन हाँ वो बेसिक चीज़ें तो दिमाग में होनी चाहिए. अब ये चीज़ें आएंगी. इफ़ आई टू ड्रॉ थ्री कार्ड्स 52C3 इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपने 52 में से कितने कार्ड्स निकाले, टू कार्ड्स. अच्छा, और इसको आप ये भी कह सकते हो सिलेक्शन और रिजेक्शन. ध्यान से देखना, मैं ऐसे देखो बेटा, मैं दो तरीके से चीज़ों को डिस्क्लोज कर सकता हूँ. इस क्लास में कितने बच्चे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. देर आर 13 स्टूडेंट्स. तो मैं रिजल्ट बता सकता हूँ, जैसे इन 13 स्टूडेंट्स की मैंने SSB ली और इनमें से दो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि 13 में से दो सेलेक्ट हुए, या मैं बोल सकता हूँ 13 में से 11 रिजेक्ट हुए. ये तो तरीका होता है. आप वेन यू विल गो फॉर योर SSB, कभी कभी क्या करेंगे, वो सेलेक्ट बच्चों के नाम लेंगे, कभी कभी वो रिजेक्ट बच्चों के नाम ले लेंगे. दिस इज नथिंग बट सिलेक्शन, दिस इज नथिंग बट रिजेक्शन. और याद रखना इनकी वैल्यू हमेशा सेम होती है. द वे टू सेलेक्ट 2 out of 13 इज नथिंग बट द वे टू रिजेक्ट 11 out of 13. वेरी इंपॉर्टेंट. अरे इन्होंने तो करा है मैथमेटिकल NDA वालों ने, ये तो समझ रहे होंगे. लेकिन जो इसका मतलब 52C2 का मतलब क्या है, 52 में से दो सेलेक्ट करने का मतलब क्या है कि 52 में से 50 रिजेक्ट कर लेना. आपको कुछ नहीं करना है, नीचे का सम हमेशा कितना आना चाहिए, ऊपर वाले के बराबर. तो यहाँ पर मैं एक छोटी सी प्रॉपर्टी के साथ एक कहानी ख़त्म करता हूँ जो बच्चों को पता है. इन नए वाले बच्चों के लिए मैं लिख रहा हूँ बेटा, याद रखना NCX इज इक्वल टू NCY. यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, NN सेम होगा. जैसे 52C2 इज इक्वल टू 52C50 व्हेन X प्लस Y इज इक्वल टू N. X प्लस Y मतलब 2 + 50 इज इक्वल टू N. N क्या है, 52. हेयर ऑल्सो Y 13C2 इज इक्वल टू 13C1, सॉरी 13C11, बिकॉज 2 + 11 इज इक्वल टू 13. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. डू राइट दिस बेटा, ये आप लिख लेना. अभी इसको सॉल्व कैसे करते हैं, क्या करते हैं, दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी इज वेरी सिंपल. एक बार और रिवाइज कर लेता हूँ. हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, रैंडम एक्सपेरिमेंट. वैसे मैंने आपसे कहा था कि बेटा देर आर टू काइंड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स. एक होता है डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट्स. डिटर्मिनिस्टिक का मतलब होता है जिसका आउटपुट आप क्या कर सकते हो, श्योरली बता सकते हो. अनडिटर्मिनिस्टिक में आता है आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट. रैंडम एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट है जिसका आउटपुट आप श्योरली नहीं बता सकते. अच्छी बात है, क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी उसी की निकालते हैं. तो हम रैंडम एक्सपेरिमेंट्स की ही प्रोबेबिलिटी निकालते हैं. अब जब हम रैंडम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ आउटकम आएगा, एंड दैट टोटल नंबर ऑफ आउटकम विल बी नथिंग बट सैम्पल स्पेस. और उस सैम्पल स्पेस में हम लोग कुछ इवेंट्स लेते हैं, तो इवेंट इज नथिंग बट अ सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस. अपार्ट फ्रॉम दैट देन वी हैव सीन प्रोबेबिलिटी. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ एन इवेंट इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ इवेंट्स ऑफ दैट इवेंट अपॉन द टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस. दैट्स इट. और फिर हमने कुछ बकवास पढ़ी, और कल इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे बेहतरीन. ठीक है, उसके अलावा कुछ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में मुझे NDA वाले बच्चों को और पढ़ाना है कुछ. ठीक है, तो वो कल देख लेंगे. कोई शक.